हेलो एंड वेलकम टू विक्नोटेक। मैं हूं विक्रम और आज बात करेंगे इस डिवाइस की जो कि है एक टीडीएस मीटर। तो टीडीएस मीटर जो है बेसिकली ये आपको पानी में जो है टोटल डिजोल्व सॉल्वेंट्स की वैल्यू बताता है। और क्यों इम्पोर्टेंट है ये आज के टाइम पे, क्योंकि जो है हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो म्यूनसिपैलिटी से वाटर आता है, उसमें हम सब जानते हैं कि आजकल काफ़ी इश्यूज जो हैं वो आते हैं और कई बार जो है वाटर की क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं होती। सो उस केस में ये टीडीएस डिवाइस जो है बहुत यूज़फुल होता है, सो दैट अपने आपके जो घर में आने वाले पानी की जो क्वालिटी है उसको आप रेगुलरली मॉनिटर कर सकते हैं। और जो इसकी रिकमेंडेड टीडीएस जो वैल्यूज़ होती हैं उसके लिए जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जो इंडियन स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अगर आप देखें तो टीडीएस वैल्यूज़ जो हैं वो अकॉर्डिंग टू इंडियन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है परमिसेबल टीडीएस ड्रिंकिंग वाटर में होना चाहिए, मैक्सिमम 500 जो है वैल्यू होनी चाहिए, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रेकमेंड करता है टीडीएस लेवल ऑफ लेस देन 300 होना चाहिए। सो देखते हैं आज हम दो तीन तरह के जो हमारे पास इस वाटर सैंपल्स हैं इनमें टीडीएस लेवल चेक करेंगे और देखेंगे कितना जो हमारा है टीडीएस लेवल इनमें आता है। तो सबसे पहले अगर हम इस डिवाइस की बात करें तो ये काफ़ी छोटा सा एक ऑलमोस्ट पेन के शेप का और पेन के साइज़ के जितना या पेंसिल के साइज़ के जितना डिवाइस आता है। और यहाँ से जो है इसका ये जो ये एक कैप है ये ओपन हो जाता है और यहाँ पे इसके कुछ दो मेटालिक जो है कनेक्टर्स हैं, इसी से जो है ये टीडीएस लेवल मेजर करता है। ये डिवाइस को ऑपरेट कैसे करना है, इसके लिए सिंपली आपको ये ऑन ऑफ बटन का यूज़ करना है। आप देखेंगे अभी वैल्यू 0-0 है, एज ये कोई मेजरमेंट नहीं कर रहा। और जो है यहाँ पर दो और बटन देखेंगे, टेम्परेचर जो कि वाटर का टेम्परेचर आप जिसके थ्रू आप मेजर कर सकते हैं, और होल्ड। सो फॉर एग्जांपल आपने वाटर वैल्यू को मेजर किया है और आप होल्ड बटन प्रेस करते हैं तो वो वैल्यू आपकी स्क्रीन पे रहेगी। काफ़ी एक बेसिक सा डिवाइस है, एक आपका ऑलमोस्ट एक छोटी सी यहाँ पर स्क्रीन है जिसमें आपको ये वैल्यू देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पास जो तीन वाटर सैंपल्स है इसमें से जो फर्स्ट जो ये वाला चार्ज सैंपल है ये हमारा है नॉर्मल जो आपका म्यूनिसिपैलिटी का हमारा वाटर आता है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इसमें हम मेजर करते हैं जो कितना है टीडीएस लेवल। सो इसमें हम इसको डिप करेंगे, आप देखेंगे इसमें एक ये डॉट जो है एक बना हुआ है लेवल, तो यहाँ तक हमें जो है इसको इंसर्ट करना है वाटर के अंदर। और जो है आप देखेंगे यहाँ पर टीडीएस लेवल रीडिंग्स जो हैं आपकी आने शुरू हो गए। तो ये देखिए आप इसमें जो आपको दिखाता हूँ मैं क्लोजली थोड़ा, 191 की जो है टीडीएस रीडिंग इस वाटर में आई है। तो आप चेक करते हैं दूसरे सैंपल में, ये जो हमारा छोटे ग्लास में जो सैंपल है ये है वाटर फिल्टर से लिया हुआ, जो कि मेरे पास एक यूवी प्लस यूएफ नॉर्मल वाटर फिल्टर है, आरओ नहीं है उसमें। तो देखते हैं ये जो नॉर्मल म्यूनसिपैलिटी का वाटर है ये फिल्टर करने के बाद जो है टीडीएस लेवल कितना करता है। नॉर्मली जो है टीडीएस लेवल फर्क नहीं होना चाहिए, बिकॉज यूवी प्लस यूएफ जो प्योरीफायर्स होते हैं वो टीडीएस लेवल को ऑल्टर नहीं करते, सिर्फ प्योरीफिकेशन करते हैं और अदर बैक्टीरिया और जो और एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव करते हैं। तो लेट्स सी इसका टीडीएस कितना आता है आफ्टर प्योरीफिकेशन। सो आप देख सकते हैं 194 और 199 इनफैक्ट दिखा रहा है, तो ऑलमोस्ट जो है सेम टीडीएस लेवल है जो हमारा म्यूनसिपैलिटी वाटर का आया था, जो कि अराउंड 195 या 200 के अराउंड आया था। तो जैसा कि हमने कहा कि टीडीएस लेवल कम नहीं करता बट ऑलमोस्ट सेम रखता है जो फिल्टर है। और ये जो हमारे पास ये ग्लास में पानी है इस वाले, ये जो है हमारा बिस्लेरी का वाटर है जो कि मिनरल वाटर है। सो लेट्स सी इसका टीडीएस लेवल जो है हमारा कितना है, इसको भी हम उसी लेवल तक इंसर्ट करके, ये देखिए इंसर्टेड है इसका। अगर हम चेक करते हैं तो इसका टीडीएस लेवल जो है 104 है। सो ऑफकोर्स बिकॉज ये मिनरल वाटर है तो इसका टीडीएस लेवल जो है थोड़ा रिड्यूस है। जनरली रिकमेंडेड होता है कि आप एटलीस्ट 100 टीडीएस लेवल के अराउंड, 60-100 टीडीएस लेवल के अराउंड पानी पीजिए, और इससे कम जो है आप वाटर ना यूज़ करें। तो आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस डिवाइस के बारे में और इसको कैसे यूज़ करना है और इसके फीचर्स के बारे में। सो आजकल के टाइम पे हम सबको वाटर की क्वालिटी के बारे में अवेयर होना चाहिए, बिकॉज वाटर बॉर्न डिजीजेज जो है काफ़ी बढ़ रही हैं। सो आई होप ये डिवाइस आपको काम का आएगा। अगर आप ये डिवाइस को परचेज करना चाहते हैं तो आप अमेजोन पे जा सकते हैं, अमेजोन पे सर्च कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सो आप देख सकते हैं अराउंड 190-200 से इवन 800 की रेंज में आपको ये मिल जाएगा, बट जो हमारे पास ये वाला मॉडल है ये अराउंड 200 की रेंज में इजिली अवेलेबल होगा अमेजोन फ्लिपकार्ट या अदर शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी। सो आप वहाँ से इसको ईजिली ऑर्डर कर सकते हैं। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको ऐसे वीडियोस यूज़फुल लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलूंगा एक मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।